फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन, जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, जिसका नाम है बॉन्साई ऑफ एडेनियम प्लांट। एडेनियम आप जानते हो उसको, इसको डेजर्ट रोज भी कहा जाता है। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसका हम बॉन्साई बनाने वाले हैं। बॉन्साई आने बहुत ही छोटा पौधा, बड़े पौधे का हम बहुत ही छोटे आकार में तैयार करेंगे, जिसको कहते हैं बॉन्साई। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फाइव तक हम रिलीज करने वाले हैं। वीडियोस को आप फॉलो करते रहिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, एक बहुत ही अच्छे किस्म का वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये है हमारा एडेनियम का पौधा, ये बेबी एडेनियम है। अभी हमें पता नहीं है इसमें किस किस्म के फूल आने वाले हैं। इसका हम अभी बॉन्साई बनाने का तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें इस छोटे से पॉट से हमें निकालना होगा। ये देखिए, हमने ऐसे करके इस पौधे को बाहर निकाला है। और ये जो मदर रूट है इसका, ये देखिए, ये मदर रूट है, मेन जो जड़ होता है, इसको हमें काटना होगा और थोड़ा सा कॉडेक्स को भी काटना होगा। हमारे पास इस वक्त दो एडेनियम के पौधे हैं, ये लगभग 2 से 2.5 साल पुराने हैं। ये देखिए, बहुत ही हेल्दी किस्म के पौधे हैं, कॉडेक्स बढ़ रहा है इसमें। लेकिन अभी अभी हमें इन पौधों को ट्रेनिंग देना है, बॉन्साई का ट्रेनिंग देना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें कोई फंगस या और कोई किस्म का बीमारी हो या नहीं। ऐसा कुछ हमने अभी देखा नहीं है, बहुत ही हेल्दी किस्म के पौधे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक धार वाली चाकू की ज़रूरत है और उस चाकू को हमें अल्कोहल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या अभी कोविड का ज़माना है तो हैंड सैनिटाइज़र से हमें डिसइंफेक्ट करना होगा। चाकू के ऊपर फंगस हो सकता है या कोई रोगाणु हो सकते हैं। तो ये हो गया डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल। और उसके बाद हमें एक चाहिए बहुत ही असरदार एंटीफंगल पाउडर। एंटीफंगल पाउडर का ही ज़रूरत है, एंटीफंगल लिक्विड यहाँ काम नहीं करने वाला है। तो ये है हमारे दो एडेनियम के पौधे। अभी हमें इस कॉडेक को इस तरह काटना है। ये जो मेन मदर रूट है, जो मेन जड़ है, उसको हमें अलग करना है, काट करके अलग करना है। उसके बाद काटते वक्त हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कॉडेक्स के ऊपर वाले जो जड़ें हैं उनको हमें हिफाजत से रखना है, क्योंकि ये जो जड़ें हैं आगे जा करके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे हमने कॉडेक्स को काट दिया, वहाँ से सैप निकलेगा। सैप यानी जो पानी निकलता है, जो रस निकलता है पौधे में का, उसको कहते हैं इंग्लिश में साफ, SAP, साफ ने सैप, SAP। तो वहाँ पर हमें इस एंटीफंगल का पाउडर से उस चीज़ को ढकना है, जो काटा हुआ पोर्शन है, काटा हुआ जगह है कॉडेक्स का, उसको एंटीफंगल से ढकना है। और साफ को अच्छी तरह से हमें सुखाना है, जो सैप मैंने कहा उसको अच्छी तरह से एंटीफंगल पाउडर से ढकना है। और इन पौधों को रखना है हमें कम से कम 4 से 5 दिन, 7 दिन भी आप रख सकते हो। तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है वो अच्छी तरह से सूख जाएगा और हमें ये रॉटिंग का तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो साफ हमने इस्तेमाल किया, ये बहुत ही असरदार एंटीफंगल पाउडर है। तो दोस्तों, बॉन्साई का ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए, देखिए हमने जो पौधे तैयार करके रखे थे वो एकदम अभी सही सूख चुके हैं। उनके जो कॉडेक्स थे वो अभी कटे हुए कॉडेक्स सूख चुके हैं। अभी हमने दो
बॉन्साई के लिए पॉट्स तैयार किए हैं, ये चीनी मिट्टी के पॉट्स है। और याद रखिएगा दोस्तों, इन पॉट्स में ड्रेनेज होल जो है काफ़ी बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बड़ा अगर ड्रेनेज होल नहीं होता है तो इनमें पानी रुकने का आशंका होता है। भुरभुरा मिट्टी, बड़ा ड्रेनेज होल, और देखिए गहराई, इन पॉट्स की गहराई देखिए, ये बहुत ही कम गहराई वाले पॉट्स हैं और चौड़ाई में ज़्यादा है। उसके बाद हमें दो प्लास्टिक के प्लेट्स की ज़रूरत है, ये प्लास्टिक के प्लेट्स कहिए या फाउंडेशन कहिए। ये हो गए हमारे बॉन्साई के पॉट्स। उसके बाद हम मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी के लिए हमें बहुत ही भुरभुरा मिट्टी की ज़रूरत है। हमने 50% गार्डन सॉइल लाया है, उसके बाद हम उसमें 40% नदी की बालू रिवर सैंड में लाएंगे और 10% सड़ा हुआ गाय का गोबर काउडंग कंपोस्ट। याद रखिए आप ताज़ा काउडंग कंपोस्ट नहीं डाल सकते हैं, या ताज़ा काउडंग नहीं डाल सकते हैं। आप चाहिए तो वर्मी कंपोस्ट डालिएगा, पुराना वर्मी कंपोस्ट डालिएगा, गाय का सड़ा हुआ गोबर डाल दीजिएगा, या आप पुराना जो किचन कंपोस्ट होता है वो डाल दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पॉटिंग सॉइल हमारे एडेनियम के लिए। बहुत ही बेहतरीन भुरभुरा वेल ड्रेनिंग किस्म का पॉटिंग सॉइल है। इस सॉइल में बिल्कुल पानी रुकने वाला नहीं है। ये देखिए हमने कुछ इसमें पेबल्स भी रखे, ग्रेवल्स कहिएगा या पेबल्स कहिएगा। उसके बाद हम एक लेयर मिट्टी डाल देते हैं। उसके बाद इस फाउंडेशन को हम रखते हैं, प्लास्टिक के फाउंडेशन या प्लास्टिक के प्लेट को हम रखते हैं मिट्टी के ऊपर। इसके ऊपर हमने पौधे को प्लेस करना है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का जो फाउंडेशन है, प्लास्टिक का प्लेट है, ये पौधे को डायरेक्ट मिट्टी से कांटेक्ट करने से बचाएगा। डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हमारा कटा हुआ हिस्सा आ जाता है, पौधे का कटा हुआ हिस्सा आ जाता है, वहाँ रॉटिंग सड़ने का संभव है। तो रॉटिंग से बचाने के लिए हमें ये इस प्लेट को रखना होगा। याद रहे हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भी डालनी नहीं है, क्योंकि पानी डालने के लिए भी हमें इसमें जगह छोड़ना ज़रूरी है। ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा बॉन्साई का पौधा बनने जा रहा है। इस कॉडेक्स को हमें बहुत ही ज़्यादा चौड़ा करना है, उसके लिए हमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस से हमें इस बॉन्साई को तैयार करना होगा। शायद हमें साल भर इंतज़ार करना पड़े, पता नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पॉटिंग का तरीका। तो दोस्तों, आखिर में हमें इन पौधों को पानी देना होगा। जब आप पानी देते हो, बेस ट्रे में से पानी बाहर निकल आ जाता है, जो सरप्लस एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो पानी निकल आ जाता है। इस पानी को आपको फेंकना ज़रूरी है। ज़रूरी सूचना, अगर आप इस पानी को बाहर नहीं फेंकते हो या ट्रेस को अलग नहीं करते हो, आपका पौधा, आपकी जो मिट्टी है, इस पानी को अंदर धीरे धीरे खींच लेगी और दावे के साथ मैं कहता हूँ आपके पौधे सड़ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बॉन्साई ऑफ एडेनियम ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्ट नंबर 1। इन पौधों को आप 7 दिनों तक शेडेड एरिया में, छांव वाले एरिया में रख सकते हैं, उसके बाद आप धूप में रख सकते हैं। दोस्तों याद रहे, मिट्टी पूरी सूखने पर ही आपको दोबारा पानी देना है। तो दोस्तों,
आपने हमारा ये वीडियो देख लिया, बॉन्साई ऑफ अडेनियम पार्ट वन। तो लगभग एक हफ्ता हो चुका है, मिट्टी ये देखिए भुरभुरा सूख चुकी है। अभी हम इसके ऊपर ये लैटराइट स्टोन से, ये साउथ इंडिया या कोंकण रीजन का ये खास पत्थर है, ये पानी को पकड़ के रखता है और मिट्टी को ठंडा रखता है। इस पत्थर के टुकड़ों को हम इस मिट्टी के ऊपर बिछा देते हैं और ये और एक काम कर लेता है, ये जो कॉडेक्स है इसको थोड़ा सा दबा के रखता है मिट्टी के ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं हम पार्ट टू के साथ। इसे हमें कम से कम 3 महीने का इंतजार करना होगा। जैसे मैंने कहा, इस बॉन्साई का कम से कम 4 से 5 पार्ट्स रहेंगे और ये बहुत ही अच्छे पार्ट्स रहेंगे, ये पार्ट वन वीडियो। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। गुड बाय।